आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हियर इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन? स्टेट एनी थ्री पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग क्या होती है। तो हम सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ओके, एंड पावर टू द लोअर लेवल इन द हायरार्की, टू द लोअर लेवल इन द हायरार्की, ओके, हायरार्की। तो यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में जो सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ पावर जो है और कुछ अथॉरिटी जो है डेलीगेट कर देता है। और ये जो है इट इज ऑप्शनल इन द सेंस दैट इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, वो ये डिसाइड करता है कि कितनी अथॉरिटी और पावर किसको और जो है डेलीगेट करनी है। और साथ ही साथ में यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो सुपीरियर होता है वो सबॉर्डिनेट को कुछ वजह से, कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। कभी कभी कुछ हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, लोगों की जब अपने सबॉर्डिनेट होते हैं उनकी ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ओके, और कभी कभी एक्चुअली ऐसा होता है कि जो मैनेजर होता है या जो सुपीरियर होता है उसके पास में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होता है, तो जो मेन मैटर होते हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए भी अपनी अथॉरिटी और पावर को वो डेलीगेट करता है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स बताने हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव तो इनिशिएटिव क्या होता है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है फ्रीडम और अथॉरिटी जिससे कि वो अपने ओन डिसीजंस ले पाए। इस तरह से क्या होता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इनिशिएटिव लेने की, और इससे साथ ही साथ मैनेजर्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। सेकेंड देख लेते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल, ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ ही जो वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका भी परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट हो किया जा सकता है इन अ बेटर मैनर, और जो कंट्रीब्यूशन होता है हर डिपार्टमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए वो भी एनालाइज किया जा सकता है इजली, ओके। थर्ड देख लेते हैं, एक्टिव डिसीजन मेकिंग। एक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक्टिव डिसीजन मेकिंग की जब बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग को नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए इनेबल करता है, और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाए। सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।